नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, वीडियो में बात करेंगे यूपीएल मैक्रीना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक के बारे में, जो फसलों में फूल फल की संख्या बढ़ाने, फसलों में मौसम का तनाव जैसे बारिश सूखा आदि का असर कम करने और पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार टॉनिक है। तो चलिए बात करते हैं, इसे आप कौन कौन सी फसलों में किस स्टेज में कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करने से फसलों पर क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और इसकी सही डोज और सही प्राइस क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, मैक्रीना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को यूपीएल कंपनी द्वारा समुद्री शैवाल से अमेरिकन टेक्नोलॉजी मैक यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपाउंड द्वारा विकसित किया गया है, जो पौधों में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, यानी पौधे के अंदर जो रासायनिक गतिविधियां होती हैं उन्हें तेज करता है, जिससे पौधा जमीन से तेजी से पोषक तत्व ग्रहण कर पाते हैं, जिससे पौधों में जैविक रूप से तेजी से विकास होने लगता है और साथ ही फूल फल गिरने की समस्या कम होती है। और इसमें उपस्थित फर्मेंटेड न्यूट्रिशन पौधों में एंटीऑक्सीडेंट बनाने में मदद करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट पौधे की कोशिकाओं को मौसम के तनाव जैसे सूखा, बारिश, गर्मी और सर्दी से बचाता है और पौधे में रोग कीड़ों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक प्रकार का बायोस्टिमुलेंट टॉनिक है। इसका प्रयोग आप सभी प्रकार की फसलों में स्प्रे और ड्रिप के माध्यम से फूल आते समय और फल बनते समय 15 दिनों के अंतराल में दो बार प्रयोग कर सकते हैं। मैक्रीना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि पानी के अभाव में भी फसलों पर और असिंचित फसलें जैसे चना, अरहर जैसी फसलों में असिंचित अवस्था में भी स्प्रे द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी में कम नमी होने पर भी इसका प्रयोग करने से फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं और साथ ही मौसम के तनाव को कम करने और फूलों की संख्या बढ़ाने और फूल को गिरने से रोकने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। किसान भाइयों, अगर बात करें इसके सही डोज के बारे में, तो मैक्रीना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का 250 ml से लगभग 300 ml प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर फसलों में फूल बनते समय और 15 दिन के अंतराल पर फल बनते समय एक फसल में अधिकतम दो बार स्प्रे कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको ड्रिप के माध्यम से 500 ml प्रति एकड़ दर से फसलों में फूल बनते समय और फल बनते समय 15 दिनों के अंतराल पे एक फसल में अधिकतम दो बार प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका 250 ml का पैक लगभग 370 रुपये में और 500 ml का पैक लगभग 650 रुपये में और 1 लीटर का पैक 1250 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनलाइन इसको खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि किसी किसान भाई का कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर अपना प्रश्न जरूर साझा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।